तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आपसे कोई एनवायरनमेंट वगैरह पे बात नहीं करना चाह रहा। मैं बेसिकली अपनी जो नानी अम्मा हैं उनके उनकी कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। अब तो उनका इंतकाल हो गया है। ये उस दौर की मेरी उम्र है इस वक्त 58 ईयर्स। तो ये उस वक्त की कहानी है जब मेरी उम्र थी कोई 7, 8, 9, 10 साल इस तरह। और नेचुरली उस ज़माने में ये माहौलियात कि किस जानवर का नाम है किसी को भी नहीं पता था। आज से 50 साल पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं था। एनवायरनमेंट फ्रेंडली किस सब्जी का नाम है कोई नहीं जानता था। रिसाइकलिंग क्या होती है कख किसी को नहीं पता था क्या चीज़ होती है। तो ये उस जमाने की दुनिया है। मेरी जो नानी थी वो उस जमाने में ड्रिक कॉलोनी थी, आजकल शाह फैसल कॉलोनी है वो कराची में। तो वहाँ वो रहती थी 80 गज के घर में। तो उस 80 गज के घर में दो कमरे थे जिनकी एस्बेस्टॉस की छत थी और सेहन कच्चा था। बिजली नहीं थी, बिजली बाद में आई। लकड़ी चूंकि मेरे नाना की तनख्वाह थी कोई 200, 250, 125 इस तरह की मुझे बताया गया थी, तो मुस्तकिल लकड़ी नहीं अफोर्ड की जा सकती थी। सुई गैस का सुना करते थे कि बहुत कई जगहों पे है लेकिन उस इलाके में नहीं थी। तो रह दे के एक चूल्हा होता था जिसमें लकड़ी का बुरादा ठूंसा जाता था रोज़ाना बड़े अहतमाम से, और उस पे सारा खाना पकता था। फिर उन्होंने क्या किया कि चूंकि सेहन कच्चा था तो उन्होंने दो क्यारियां बना दी। एक में उन्होंने दो तीन ऐसे पौधे लगा दिए जो बाद में दरख्त बने। एक पपीते का दरख्त बना, एक नीम था वो अच्छा खासा ऊपर निकल गया, एक कोई था खट्टा सा फल निकलता था उसका दरख्त बना। दरमियान में जो जगह होती थी उसमें वो उन्होंने मिर्चें लगा दी या भिंडी बो दी, इस तरह की चीज़ें करती थी। फिर एक बकरी पाली हुई थी उन्होंने तो उसका नाम था नूरी। नूरी जो दूध देती थी वो घर की चाय वाय में काम आ जाता था, और जो उसका लीद वगैरह होती थी उसको नानी एक साइड में बड़े कनस्तर में इकट्ठा करती रहती थी, और कुछ अरसे बाद वो कहती थी ये खाद है, और फिर उन्हीं खियारियों में वो खाद बिखेर दी जाती थी जिसमें वो थोड़ी बहुत सब्जियां और फल लगाया करती थी। एक दर्जी की दुकान थी मोहल्ले के गली के कोने पे। तो उस ज़माने में रेडीमेड कपड़ों का तो कोई रिवाज था नहीं, या तो घरों में कपड़े सिलते थे या फिर जो मोहल्ले का दर्जी है थोड़े से निस्बतन खुशहाल लोग दर्जी से सिलवा लेते थे। तो इनकी तो हैसियत नहीं थी, इनके यहाँ तो एक सिलाई मशीन थी जिस पे सभी के कपड़े सिलते थे। जब कभी सीज़न आता कोई नई रज़ाई बनानी होती या तकिया बनाना होता है तो वो दर्जी की दुकान पे जाती, और वो जो कपड़ों काटने के दौरान कतरने नहीं बच जाती वो कोने में इकट्ठी कर देता था दर्जी, तो वो ये कतरने ले आती थी और उसको वो भर देती थी नए तकियों में और नई रजाइयों में। ये रिसाइकलिंग से पहले के दौर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर पत्तों वाली जो सब्जी आती थी जैसे गोभी है, मूली है, उसके अलग एक डिश बनती थी मूली की और गोभी की, और फिर उसके जो पत्ते होते थे उनको भी अलग रख
कर लेती थी, अगले दिन उन पत्तों की वो सब्जी बनाती थी। मेरी नानी ने किसी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा था, हो सकता है उन्होंने मेरी परनानी से ये सब चीजें सीखी हों, और मेरी परनानी ने हो सकता है अपनी माँ से सीखी हों, और मेरी वालदा तक ये ट्रेडिशन रही कि घर में जो भी चीज है जिसका रिसाइकल होना पॉसिबल है वो रिसाइकल होगी। इसीलिए उस जमाने में इस तरह की कॉन्फ्रेंसों की जरूरत नहीं होती थी, हर औरत एनवायरमेंटलिस्ट थी, और चूंकि घर की औरत एनवायरमेंटलिस्ट थी लिहाजा लामहाला बच्चे भी एनवायरमेंटलिस्ट हो जाते थे। उन्हें अहमियत का पता होता था कि कौन सी चीज कितनी करनी है रिसाइकल, इवन अगर आप तौर पे रोटी उन्हें पता था कि कौन कितनी खाता है उतनी बना लेती थी, लेकिन फिर भी एक दो रोटियां बच जाती थी, वो रोटियां भी वो सुखा के एक थैले में रखती जाती थी, और महीने के आखिर में उसका हलीम या खिचड़ा टाइप कोई चीज़ बन जाती थी, वो सूखी रोटियां भी काम आ जाती थी। तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये जो हम रोना रोते हैं जी गोश्त 1100 रुपए हो गया, मटन और बीफ जो है 900 रुपए है, और इमरान खान की नाअहली की वजह से ये सब हुआ है, इसकी क्या जरूरत है रोना रोने की। महंगाई तो तब भी थी, जिस जमाने का मैं जिक्र कर रहा हूं अयूब खान का जमाना था, वो आखिरी जमाना था, लेकिन मैंने अपनी नानी के मुंह से कभी ये लफ्ज शिकवा नहीं सुना कि कोई चीज उसकी दस्तरस में नहीं है। उसकी शायद एक वजह यह भी हो कि हमारा जो मोहल्ला था उसमें कंज्यूमरिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जिसके पास जितना है वो अपनी दुनिया में मगन था, और तकरीबन सभी का मयार ज़िंदगी एक ही जैसा हुआ करता था, तो वो जो होड़ होती है, वो जो दौड़ होती है, वो जो नई नई चीज़ें जमा करने की हवस होती है कि घर में भले चलने फिरने की जगह रहे ना रहे, घर को डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया जाए जो आजकल होता है, उससे वो शायद वो नस्ल बची हुई थी। अब जब वो होड़ होती है, दौड़ होती है, और जब आप कंज्यूमरिज्म करते हैं तो जितना कंज्यूम करते हैं उतना ही सरमायादार बनाता है, फैक्ट्री वाला बनाता है, और वो किस चीज़ से बनाता है, मेरी और तुम्हारी धरती के अंदर से जो चीज़ें निकलती हैं उन्हीं से तो बनाता है, या इसके ऊपर जो चीज़ें उगती हैं उन्हीं से तो बनाता है। तो उस ज़मीन का पेट काट के वो हमारे कंज्यूमरिज्म की भूख मिटाता है, और फिर इश्तिहार की मदद से उस भूख को दुगना तिगना चौगना करता चला जाता है, और आखिर में ये होता है कि हम इस तरह की कॉन्फ्रेंसें कर रहे होते हैं। माहौलियात की जो डिग्रेडेशन हुई है, मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूं इसलिए अब जाहिर है मैं अपना सहाफ़ी पना भी दिखाऊंगा थोड़ा सा, कि हमारे नज़दीक जो करंट अफेयर्स है वो है कि इमरान खान ने आज ये कह दिया कि 600 साल तुर्कों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, हा 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 हा, या नवाज शरीफ जो है उसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट नहीं भेजी, या बिलावल ने कहा है कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो आसफा मेरे बाद आ जाएगी, या फजलुर रहमान पे आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ये करंट अफेयर्स है हमारा। मैंने आज तक पिछले 3 महीने में किसी चैनल की ये हेडलाइन नहीं देखी, किसी अखबार की ये 7 कालमी या 6 कालमी या इवन 5 कालमी या इवन 4 कालमी या इवन 3 कालमी सुर्खी नहीं देखी कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगी हुई है, 1 बिलियन से जायद
जानवर हशरातुल अर्ज और परिंदे उस आग में ख़त्म हो गए। 1/3 ऑस्ट्रेलिया जल रहा है, मैंने हेडलाइन नहीं देखी। ये हमारी सीरियसनेस है वीज़ा वी एनवायरनमेंट। मैंने हेडलाइन तो छोड़, ये खबर नहीं कहीं पढ़ी, हो सकता है किसी ने इस पे कॉलम लिखा हो या मजमून लिखा हो, लेकिन खबर नहीं पढ़ी कि अमेज़न के जंगलात में अभी 5-6 महीने तक पहले आग लगी थी एक, और कहा यह जाता है कि तकरीबन आधी जो बायोडायवर्सिटी थी अमेज़न की वो शायद या तो डैमेज हो गई है या ख़त्म हो गई है। इसको ट्रेजेडी ही नहीं समझा जाता, हालांकि इस आग से जो धुआं ऊपर एटमॉस्फेयर में जमा होगा, जब वो बारिशों की सूरत में हमारे ऊपर बरसेगा तो हमें यही नहीं पता होगा कि ये हुआ क्या है, लेकिन हमें आज के दौर में इसके बारे में ना इंटरेस्ट है और ना हम जानना चाहते हैं। पिछले हफ्ते की खबर है कि एंटार्कटिका, जो मीठे पानी का दुनिया में सबसे बड़ा ज़खीरा है, वहाँ रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार इस महीने में जो टेम्परेचर है वो 65 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है एंटार्कटिका में। उसके जो इम्पैक्ट होंगे फौरी तौर पे या इन द लॉन्ग रन, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट मसला ये है कि नैब ने नया केस फलाने के खिलाफ क्या बनाया, उससे जान छुटेगी तो होगा। अच्छा, यही बेहिसी, ये तो मैं बहुत ही ईरान तुरान की हाँक रहा हूँ ना कि जी एंटार्कटिका और अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया, आप कह रहे होंगे ये क्या है, ये अपनी लोकल बात क्यों नहीं कर रहा। लोकल बात ये है कि मैं सिंध में रहता हूँ, आई एम अ सिंधी, जो भी सिंध में रहता है ही और शी इज़ अ सिंधी। एक नारा हम सबको बड़ा अट्रैक्ट करता है, मरसू मरसू सिंध नडेसू। लेकिन ये नारा हमें उस वक्त याद नहीं आता जब हम मीठे पानी की सिंध की झीलों में अपने सो कॉल्ड प्रोजेक्ट्स के जरिए जहर मिला रहे होते हैं। किसी नेशनलिस्ट या नॉन नेशनलिस्ट तंजीम या पार्टी, उसकी गैरत नहीं जागती, उसकी कौमी गैरत नहीं जागती कि ये किस तरह का रेप हो रहा है सिंध धरती के साथ। उसकी वजह यह है कि ये जहर किसी बिहारी ने नहीं मिलाया, किसी पंजाबी ने नहीं मिलाया। हमारे दुश्मन तो पंजाबी हैं, बिहारी हैं, बाहर से आने वाले आबादकार हैं। ये जो मीठे पानी के अंदर हम जो जहर मिला रहे हैं, ये कोई इशू थोड़ी है। हम चीखते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान का समंदर जंगली हयात से खाली हो रहा है, गैर मुल्की जो ट्रॉलर्स हैं वो ओवर फिशिंग करके, जिनके लाइसेंस इस्लामाबाद वाले लोग जो हैं वो जमा करते हैं, वो इशू करते हैं 20-20 लाख रुपए में, ये ट्रॉलर्स सिंध और बलूचिस्तान के साहिल की जो मखलूक है उसको ले जा रहे हैं, खाली कर रहे हैं। बड़ी ख़राब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी तो नहीं होना चाहिए कि हम रोज़ाना 2 मिलियन लीटर गंदगी और गंदा पानी अपने समंदर में फेंक रहे हैं, नॉन ट्रीटेड। हमारे लिए ये मुतालबा भी प्रायोरिटी नहीं है कि कम से कम यही कह दें कि ठीक है तुम इस पानी को, इस ब्राउन वाटर को फेंक दो, लेकिन कम से कम ट्रीट तो कर लो। तो
तो ये स्टेज तो बहुत बात की है कि हम ये कहें कि इसको समंदर में ना फेंको और इस ब्राउन वाटर से दोबारा तुम सब्जियां और फलों के बागात में इस पानी को इस्तेमाल कर लो, ये तो स्टेज ये तो आ ही नहीं सकता। हम तो रॉ सीवरेज, रॉ वाटर, रॉ केमिकल सारे के सारे समंदर में फेंक रहे हैं, और तकलीफ हमें ये है कि जो गैर मुल्की जहाज़ हैं वो हमारे समंदर खाली कर रहे हैं। हम कहते हैं हम सिंध की एक इंच ज़मीन किसी को नहीं देंगे, मर जाएंगे नहीं देंगे। ये जो ठट्टा में खारो छाण की आदि तहसील है ये समंदर ले गया। आप में से माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं, कितनों को खबर है इस बात की, और अगर खबर नहीं है तो इसका कसूर किसके पास किस पे है? ये मुझ पे है मीडिया पर्सन, ये मेरे मालिक पे है, इसलिए कि खारो छाण को समंदर अगर आज या कल या एक हफ्ते में ले जाता तो मेरे लिए ये खबर थी। वो चूंकि 10 साल के अंदर आदि तहसील ले गया है लिहाजा मेरे लिए खबर है ही नहीं, रेटिंग तो बहुत दूर की बात है। ये जो ज़मीन है इंडिजिनस लोगों की, ये जो आबशारे हैं, ये जो वसाइल हैं, ये जो मादनियात हैं, हम कहते हैं इस पे हमारे सूबे का हक होना चाहिए। बलूचिस्तान हो या सिंध हो या पंजाब हो केपी हो, पहला हक हमारा है, फिर बाद में जो है विफाक का हक है, पहला हक मकामी लोगों का है। ठीक बात है, जायज़ बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब माँ को मलिक रियाज के हाथों बेच दें लोग तो उनका गिरेबान तो कोई नहीं पकड़ता भाई। नहीं, ये तालियां बजाने वाला नहीं, ये मरसिए का मकाम है, ये रोने का मकाम है। तो कौन सी धरती, कौन सी माँ, क्या फ्रॉड कर रहे हैं आप लोग? अपने हाथ से फंदा डाल रहे हैं माँ के गले में, जो बाकी माँ बच गई है वो दूसरे बेच रहे हैं, और आप जो हैं वो नारों पे लगे हुए। इवन एनवायरनमेंट पे पॉलिटिक्स से भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट पे पॉलिटिक्स ही भी नहीं हो रही। ये चीज़ ना पॉलिटिकल एजेंडे में है, ना मीडिया के एजेंडे में है, और फिर हम कहते हैं जी आम आदमी जो है वो पॉलीथीन के बैग क्यों इस्तेमाल कर रहा है, गटर चोक हो रहे हैं, नालियाँ चोक हो रही हैं। ये पॉलीथीन के बैग किसने इंट्रोड्यूस कराए हैं? इन पे ड्यूटी कौन ले रहा है? इनके कारखानों को लाइसेंस किसने दिया है? मेरी नानी के पास तो कपड़े का थैला होता था, वो जो आटा भी लाती थी सामने की दुकान से वो कागज़ के थैले में आता था, उसके साथ तो ये इशू नहीं था। पहले तुम सर पे अपने हथौड़ा मारते हो फिर चीखते हो कि ये हथौड़ा किसने मारा है, ये क्या मजाक हो रहा है। और ग्रीन करेंगे हम, बिलियन ट्री सुनामी और उससे जो है एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। हमें अब तक यही नहीं पता कि झाड़ी और दरख्त में क्या फर्क होता है। हम झाड़ी को दरख्त समझ के अंधाधुंध लगा रहे हैं। ये कोनोकार्पस क्या है? हम इसे दरख्त समझ रहे हैं, ये तो झाड़ी है। ये झाड़ी भी बेफैज है, इस पे परिंदा बैठना भी पसंद नहीं करता, और हमने अपने शहरों को सिर्फ ग्रीन दिखाने के लिए हर शारा पे जो है कोनोकार्पस लगा दिया है। ये देवी का दरख्त, ये अय्यूब खान के दौर से पहले नहीं था, बल्कि अय्यूब खान के दौर से पहले था, अंग्रेज़ों का जो आखिरी दौर था उसमें था, ऑस्ट्रेलिया से इसको लाया गया था यहाँ पे। अब अल्लाह जाने खुद आ गया या लाया गया क्या है, वो जो है
यहाँ मैंने तो कराची में देखा और बाकी जो जगह हैं थरवर में, हर जगह मैंने देखा। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये दरख्त उस ज़माने में जो लाया गया था उसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या थी। अब जो तहकीक हुई है उसके हिसाब से इसकी भी प्रोडक्ट बन सकती है, ये भी यूटिलाइज हो सकता है, लेकिन कितने लोगों को मालूम है, कितने लोग ये काम कर सकते हैं। हमारे जो इंडिजीनियस दरख्त हैं, मेरे बचपन में देखता था, ये जो हैदराबाद की ठंडी सड़क है ये कोनोकार्पस या देवी के दरख्तों की वजह से नहीं थी, या नीम होता था, पीपल होता था, ये जो हमारे जो हज़ारों साल से दरख्त लोकल दरख्त हैं, इम्पोर्टेड कोई नहीं था, ये थे, वो हमने ख़त्म कर दी। अच्छा, ख़त्म कर दिए तो यार दोबारा लगा लो, उसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन नहीं, मैं चूंकि 5 साल के लिए बरसर इक्तदार आया हूँ, ज़रूरी तो नहीं कि पीपल का दरख्त इतना बड़ा हो जाए कि लोग उससे मुतासर होकर मुझे वोट दे दें। कोनोकार्पस अलबत्ता मैं 6 महीने के अंदर जो है आपको उतना ऊंचा करके दिखा सकता हूँ, तालियां बजवा सकता हूँ, एनवायरमेंट गया जहन्नुम में। सोच ये है, हमारे यहाँ पहले वजीर माहौलियात थे आसिफ अली जरदारी, ये बीबी के दूसरे दौरे हुकूमत की बात है, उससे पहले मिनिस्ट्री नहीं होती थी, पहली दफ़ा मिनिस्ट्री बनी थी, आसिफ अली जरदारी थे। और आज हमारी जो वज़ीर माहौलियात हैं वो डेरा गाजी खान से जो पीटीआई के मेंबर हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, किसी को नाम याद है, जरताज गुल, कमाल है, और क्या कहूँ मैं, इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम, मैं जो बात कर रहा हूँ या जो आप आपस में बात करेंगे वो उन तक किस तरह से पहुँचेगी और क्या होगा उसका। थर में अक्सर जाता रहता हूँ। एक तो यहाँ मसला ये है कि जब हम महज़ब होना चाहते हैं या 21वीं सदी में दाखिल होना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त ये होती है कि यार हमारा जो घर है ना उसकी दीवारें कच्ची नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत ही इलिटरेट किस्म के लोगों का पैगाम है। अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी खुशहाली ज़ाहिर करना चाहते हैं तो हमें सीमेंट, सरिये, कंक्रीट का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये मयार थर में भी कायम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ का जो चौरा था, जो हज़ारों साल से एयर कंडीशन था, बग़ैर किसी बिजली के चौरे के ऊपर जो घास फूस होता है, जो एक गोल चार दीवारी होती है, उसकी वजह से उसकी जो साख्त है, हमारे बेवकूफ़ बुज़ुर्गों ने कुछ सोच के ही बनाया होगा, लेकिन हम तो महज़ब बनना चाहते हैं ना। तो 52 दर्जा हरारत में कंक्रीट की छत बनी हुई है, मैंने देखा इस्लाम कोर्ट में मॉडल मकानात बनाए हुए, और जो पक्के मकान बना के खुश है वो गर्मी की शिद्दत की वजह से कमरे में बैठने की वजह से बजाय बाहर बैठा हुआ है, ताकि वो जो कंक्रीट की हीट है उससे बच सके। इतने इंटेलिजेंट हम लोग हैं, हमारे ठेकेदार हैं, हमारी हुकूमतें हैं, जो 2-4 लोगों के फ़ायदे के लिए पूरी कम्युनिटी को ना अवेयर करना चाहती हैं और ना ख़ुद ऐसी पॉलिसियां बनाना चाहती हैं कि उसी मिट्टी, उसी दरख्त, उसी बांस, उसी रॉ मटेरियल से, उससे 1/4 पैसों में वही सस्टेनेबल मॉडल और वही मयार ज़िंदगी हासिल हो जाए। उसकी वजह यह है कि 100 रुपए के बजट में से मुझे 50 रुपए मेरी जेब में कैसे जाएंगे, एनवायरनमेंट गया भाड़ में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सामने की चीज़ें हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मेरी नानी को पता थी ये बातें, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, तो हम तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। और ट्रेजिडी ये है कि इस दुनिया को तबाह मेरी नानी जैसे गैर पढ़े लिखे लोगों ने नहीं किया, मुझ जैसे पढ़े लिखे लोगों ने किया है। थैंक यू। अब मैं उठ जाऊं या कोई सवाल का भी वो है, टाइम है, टाइम अप।
हैं, एक कहां से, एक से क्या होगा यार, कर लें दो सवालों का कोटा, मैंने मंजूर करवा लिया। आई एम मसरूर अली, स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, डूइंग रिसर्च ऑन सस्टेनेबिलिटी। उर्दू में बात कर लो, उर्दू। यस, तो मैं ये पूछ, उर्दू एनवायरनमेंट फ्रेंडली जबान है। तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि पूरी दुनिया की तरह कोस्टा रिका अप्रॉक्सीमेटली 90% हैज़ बीन मूव्ड टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी। सो एज यू, जैसे कि आपने बताया कि मेरी नानी का ये एक जो किस्सा कहानी था, तो माय क्वेश्चन इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज इन दैट टाइम तो आपकी नानी को तो ये नहीं पता था कि आपकी नानी की भी मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं अपनी नानी की बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही बात है, वही बात है। तो उस ज़माने में तो कोई सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं थी, कोई कल्चर था, तो क्या ऐसा कोई रिलेशनशिप है इसके? देखिए उस ज़माने में बात नहीं होती थी, उस ज़माने वो कर लेते थे। तो क्या कल्चर था? हैं? तो क्या कल्चर था? ऑब्वियसली, नस्ल दर नस्ल एक चीज़ जो है वो आ रही है, उसको हर नस्ल जो है उसी दायरे में रह के इम्प्रूव करती थी। नानी के दौर में वापस चले जाए, यही सोल्यूशन। उसके दिमाग से सोचना जिस दिन शुरू करेंगे, सोल्यूशन खुद ब खुद आ जाएगा। मेरी नानी बेवकूफ नहीं थी, ये मुझे पता है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो सकता है कि यूथ को इस तरीके की रेवोल्यूशन ले? खुदा के वास्ते, यूरोप से या कहीं और से रेवोल्यूशन इंपोर्ट करने की बजाय, जो कि कभी हो भी नहीं सकता, आधा तीतर आधा बटेरे, आपकी अपनी ज़मीन के अंदर से जो चीज़ पैदा हो के आपको बचा सकती है, दो मिनट उस पर ध्यान दे लें, बस। थैंक यू सो मच।